और अब बात उन 24 लाख कैंडिडेट्स की जो पिछले एक हफ्ते से अपने हक के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। मैं नीट रिजल्ट पर छिड़े घमासान की बात कर रहा हूं। कैंडिडेट्स और उनके सपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रतिनिधित्व कर रहे कोचिंग सेंटर मालिक कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट केस की सुनवाई हुई। पहले उसका अपडेट आपको दे देता हूं, फिर नीट एग्जाम में जो कैंडिडेट्स अपने साथ अन्याय का दावा कर रहे हैं मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। नीट विवाद के हर किरदार से आपको मिलवाना है, आपके सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी सुनवाऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा या फिर इसी परीक्षा के आधार पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। नीट पर घमासान, कब मिलेगा समाधान? वेरी ट्रांसपेरेंट एनटीए इज वेरी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी एनटीए जैसा बॉडीज जो बार बार पेपर लीक हो रहा है उसके बावजूद जिस एग्जाम की खबरें आ रही हैं एफआईआर दर्ज हो रही है उसको इतनी शर्म नहीं है कि वो एग्जाम होल्ड करवा के वापस करवाए उसका इवैल्यूएशन। पेपर लीक या बदली आंसर शीट, रद्द होगा विवादों में घिरा नीट। किसी बात पे जवाब ही नहीं दे रहा वो अधिकारी, मतलब बोले कि सिर्फ उनके पीए वगैरह कुछ है, मतलब खुद वो आई नहीं रहा डायरेक्टर साहब जी। सिर्फ इस एनटीए का स्कैम हुआ है मैम। रो रहे हैं छात्र, बिलख रहे हैं परिजन, सड़कों पर जारी जगह जगह प्रदर्शन। किसानों के बच्चे मर रहे हैं और बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं एम्स में, जिन्होंने 1 करोड़ दे दिए होंगे उनके बच्चे एम्स पहुंच जाएंगे। और एनटीए हर बार चोरी करता है, पहले 1-2 रुपए चोरी करता था, आज इसने 100 रुपए चोरी कर लिए तो सबको पता लग गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जवाब में कोर्ट ने कह दिया कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। याचिकाकर्ता ने कहा पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। इस पर कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। एनटीए का जवाब आने के बाद अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। मामला देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है, 8 जुलाई की तारीख लगी है, लेकिन समाधान मिलने का कितना और वक्त चाहिए ये अभी कोई नहीं जानता। काउंसलिंग जारी रहेगी, मतलब एडमिशन प्रक्रिया चलती रहेगी। अब अगर एडमिशन प्रोसेस जारी रहेगा तो फिर स्टूडेंट्स के आरोपों का क्या होगा? क्या 8 जुलाई तक एनटीए पूरे विवाद का हल निकाल लेगा? नीट विवाद पर फिजिक्स वाला यानी ये एक संस्था है जो अपना पूरा सिस्टम चलाते हैं बच्चों को पढ़ाने का, उसके सीईओ हैं अलख पांडे, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर भी हैं। आज कोर्ट में क्या क्या हुआ खुद अलख पांडे से सुनिए। इसके बाद आपको दिल्ली से मुंबई तक जिन छात्रों के साथ नीट में अन्याय हुआ है मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का, और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो पीआईएल कर रखी है ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है। एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। कल हमारा जो इशू है वो कल लिस्ट होगा, मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है तो कल लिस्ट होगा। हमने जो पीआईएल फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीज़ों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब आपको मुंबई की आंचल से मिलवाता हूं। कौन है आंचल? देशभर से 13 लाख से ज्यादा लड़कियों ने नीट का एग्जाम दिया था, आंचल भी इनमें से एक है। आंचल के पिता रिक्शा चलाते हैं, 10वीं क्लास के बाद से ही आंचल नीट की तैयारी करने लगी थी। आंचल के 12वीं क्लास में 70% अंक आए तो उसने डॉक्टर बनने का संकल्प ले लिया। इसके लिए नीट की परीक्षा दी, 4 जून को रिजल्ट आया। आंचल को 720 में से 566 मार्क्स मिले। इतने मार्क्स मिलने के बाद भी आंचल और उसके परिवार का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि आंचल का आरोप है कि नीट में उससे धोखा हो गया। मैंने जब ऑन द स्पॉट जब भी नीट का रिजल्ट रिलीज हुआ था 4 जून को, तभी मैंने 6:30 बजे के बीच में रिजल्ट चेक किया था तो 566 शो कर रहा था और ऑल इंडिया रैंक 52,000 के ऊपर था।
और जब आज मैंने क्लासेस में चेक आज क्लासेस में चेक किया गया, मैम ने चेक किया तो 366 शो कर रहा था। उसके बाद मैम ने मुझे कॉल किया, फिर मैंने रिजल्ट जब चेक किया तो फिर से मुझे 366 शो कर रहा था। बट ये कैसे हो सकता है कि डायरेक्ट 200 मार्क्स का गैप कैसे हो सकता है? मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि इतने मार्क्स का गैप हुआ कैसे। मेरे दिमाग में कुछ और चल नहीं रहा था। फिर मैं डायरेक्ट क्लासेस आई पूछा, फिर मैम ने बोला कि सब एनटीए का स्कैम है। तो मैं ये एनटीए वालों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे साथ इतना ज़्यादा स्कैम क्यों कर रहे हैं? जितना उसने मेहनत किया है, अभी जब ऐसा ही करेगा तो कैसे पढ़ेगी? अभी आगे वो हिम्मत करेगी पढ़ने का? नहीं कर पाएगी ना। दिन भर में तो क्लासेस 6 घंटे था, फिर उसके बाद रात को शाम को पढ़ती थी, जाके लाइब्रेरी में पढ़ती थी। 12 बजे से स्टार्ट करती थी, 5 बजे सुबह तक पढ़ती थी। रात भर उसका पढ़ाई चलता था हमेशा, इतना मेहनत करती थी। राजधानी दिल्ली में एनटीए दफ्तर के बाहर आज बड़ी संख्या में छात्र और उनके परिजन जुटे, अधिकारियों से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई स्टूडेंट से मिलने नहीं आया। नीट के जो कर्मचारी सामने आते थे वो बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। 42 डिग्री से ज्यादा के टेम्परेचर में बच्चे और उनके माता पिता झुलस रहे हैं और नीट का विवाद पैदा करने वाले एसी कमरों में बैठे हुए हैं। धूप में बिलखते बच्चों में से किसी के पिता किसान हैं, खेती छोड़कर दिल्ली आकर मोर्चे पर डटे हुए हैं, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। हालत यह है कि कुछ छात्र रिजल्ट के सदमे से अस्पताल में भी भर्ती हैं, और इनमें से एक है निधि। निधि की माँ दिल्ली में इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने बहुत इमोशनल रिपोर्ट तैयार की है जो रैशनल सवाल खड़े करती है, आप भी देखिए। अधिकारी पहुंचे हैं स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए और कोई समाधान ढूंढने के लिए। लगातार अब जो स्टूडेंट्स हैं और एनटीए के अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है और रेजोल्यूशन यानी समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स अब भी मांग कर रहे हैं कि वो बात करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे तो डायरेक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हो और दोबारा से नीट की परीक्षा भी आयोजित हो। हमारे पसीनों को देखिए, जो खेतों बच्चों को सीज के पानी सर्दी में बच्चों को पैदा पैदा देते हैं। क्या बोले सर, क्या बोले? एनटीए के अधिकारी आए थे। मैं अधिकारी हुई नहीं, फिर करने क्या, मैं पूछ रहा हूँ, पसीना आ गया बताने बहुत ज्यादा। तो पूछने के लिए आए थे आपसे क्या? हम नहीं पूछे, मैंने बता दिया, कह रहे हैं पसीना आ गया। पटियाल हर मुद्दे का उसके अंजाम तक पीछा करता है। कुछ सवालों का जवाब लेने हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव एनटीए ऑफिस पहुंचे हैं। स्टूडेंट एनटीए डायरेक्टर से मिलने की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की बेबसी का तमाशा देखने एसी दफ्तरों से बाहर जो अधिकारी आए वो चुप्पी साधते हुए दिखे। गर्मी देखकर वापिस जाने लगे, तभी विवेक ने उनका पीछा किया। फिर क्या हुआ आप ही देख लीजिए। आप अपना नाम और पद बता दीजिए, पता चले कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आया था। चलिए हम बता देंगे। नहीं बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपको किसी ने भेजा था? नहीं मैं तो बोल दिया हूँ, इनसे बात किए थे मैंने, बता दिया। सर आप बताइए। मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप कितनी देर में वापस आएंगे सर? सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? सर जी सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? हमारे किससे बात करने जा रहे हैं सर आप? सर किससे बात करने जा रहे हैं आप? पटियाल की गारंटी है वो इस मुद्दे का तब तक पीछा करेगा जब तक इसका हल नहीं निकल जाता। ABP News आपको रखे आगे।